हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। खुदा बाप आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और आप हमेशा तंदुरुस्त और तवाना रहें। मेरी आप सब से दरख्वास्त है और मैं आप सब के लिए दुआ करती हूँ। तो मुझे कल का व्लॉग बना कर बहुत मज़ा आया, मैंने बहुत इन्जॉय किया। तो आज मैंने सबके व्लॉग्स देखे, मुझे बहुत अच्छे लगे और मैंने सबको बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भी किए थे। और मुझे बहुत खुशी हुई जब दुआ फातिमा व्लॉग्स ने मेरा नाम लिया। आज सुन मैं इतना खुश हुई, बहुत मुझे खुशी हुई कि उन्होंने अपने चैनल में मुझे इस काबिल समझा और मेरा नाम लिया। लेकिन कुदरत और तारीफ तो सिर्फ उस अल्लाह की है जो हमें बनाता है, हमसे प्यार करता है। इंसान तो वो सिर्फ एक ज़रिया बना देते हैं। तो इसके साथ ही मैं थैंक यू करूँगी, थोड़ा सा मुश्किल नाम है, मैं भूल जाती, बहुत लंबा नाम है भाई का, प्यारे पंडित भाई, बहुत बहुत थैंक यू इस प्यार के लिए, इस रिस्पेक्ट के लिए जो आपने दी और आपने की। तो बहुत बहुत आपका भी तहे दिल से शुक्रिया। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि इतने अच्छे लोग भी इस दुनिया में रहते हैं जो कि इतना प्यार कर सकते हैं दूसरों से। लेकिन ज़्यादातर लोग तो खुद अपने आप से प्यार करते हैं, दूसरों को कुछ भी नहीं समझते। लेकिन आप लोग, सल्यूट करती मैं आप लोगों को और आप लोगों को मैं दिल से थैंक यू करती हूँ और उन सबको थैंक यू करती हूँ जो मेरे नए सब्सक्राइबर हैं, जो मुझे प्यार दे रहे हैं, रोज़ बरोज़ मेरे से अटैच हो रहे हैं। बहुत बहुत थैंक यू। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपने व्यूज़ को अच्छी से अच्छी वीडियो अपलोड करके दूँ ताकि वो लोग खुश हों, उनका दिल ना टूटे और ना मैं किसी का दिल दुखाऊँ। तो आज मेरी वीडियो है लाइटिंग की। आज जबकि हमारी गली में शादी है दो तीन दिन के बाद, तो उन्होंने आज लाइटिंग की है, मुझे बड़ी अच्छी लग रही थी। तो मुझे अच्छी लग रही थी, यकीनन आप लोगों को भी अच्छी लगेगी। तो मैंने सोचा मैं क्यों ना आपके साथ शेयर कर लूँ। तो मैंने वो सारी, मेरे बिल्कुल खिड़की के सामने वो घर है, तो मैंने वो पूरी वीडियो बना के मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ और आपने मुझे कमेंट्स में बताना कि कैसे लगा। हो सकेगा तो मैं पूरा शादी का प्रोग्राम आपके साथ अटेंड करूँगी। सोचें कि जाने के नहीं जाने, कोरोना इतना ज़्यादा फैल चुका है अदरवाइज़ कराची में। आप लोग प्लीज़ प्लीज़ परहेज़ करें और मास्क लगा कर निकले। वैसे तो बाहर किसी को निकलने की एक हफ्ते तक इजाज़त नहीं है। और आप लोग वैक्सीन करवाएं, जिन्होंने नहीं करवाया प्लीज़ प्लीज़ जाएं, एक्सपो सेंटर जाएं, वहाँ पर हो रही है, किसी भी हॉस्पिटल में जाएं, हर जगह वो दे रही है वैक्सीन। आप लाजमी जाएँ और वैक्सीन करवाएँ। तो चले मैं आपको दिखाती हूँ लाइटिंग जगमगाती मेरी गली और आपको भी अच्छा लगेगा। और सिबल भी बैठी है, सॉरी मुझे आपके इतने प्यार ने मुझे सिबल को याद ही नहीं करवाया। सिबल भी पास बैठी हुई थी जो मुझे नज़र ही नहीं आई है। आप लोगों ने इतना प्यार दिया, मुझे अपनी बेटी ही नज़र नहीं आई, सॉरी सिबल। तो सिबल चीज़ खा रही है, ये देखें, कह रही थी मामा चैलेंज करते हैं, पर इसके पास एक ही है बेचारे के पास, तो मैं खा लूँगी तो फिर ये क्या खाएगी। तो मैंने कहा नहीं आप खा लो, मुझे नहीं खाना, हम लोग चैलेंज करें या परसों मैं इनके बाबा के से चैलेंज करूँगी, आप लोगों ने मिस नहीं करना, बहुत इंजॉय और बहुत मज़ेदार चैलेंज। ये देखिए गाइस डेकोरेशन, मैं आपको पूरी दिखा रही हूँ ऊपर तक, ये ऊपर से शुरू हुई है और ये देखिए ये देखिए और ये बहुत ही खूबसूरत डेकोरेशन है, ये देखिए, ये आप देख सकते हैं। और ये आगे भी है, वो ठीक तरीके से नहीं दिखाई दे रही, बट ये देखिए ये लाइटिंग की हुई है। ये लाइटिंग क्यों की है ये मैं आपको बताती हूँ अभी। ये होनी है शादी, तो ये शादी के लिए डेकोरेशन की है, बिल्कुल हमारे घर के सामने, बहुत ही खूबसूरत लग रही है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो ये देखिए, अब मैं ये नहीं कहूँगी कि जिसने शादी पे आना है वो आ जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा कोरोना फैल चुका है और हमें भी एहतियात करनी है हर तरीके से। आप वैक्सीन करवाने लाजमी जाएं और शादियों से, बर्थडे पार्टियों से, हर चीज़ से आप गुरेज़ करें। हम भी कोशिश करेंगे ना जाएं, बट जाना तो पड़ेगा। ये देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है, ये देखिए
ठीक है। तो आपने इसी तरीके से मेरे साथ बने रहना। ये है मेरी गली, रोशनियों का शहर, मेरे घर के सामने, बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलते हैं, अभी मिलते हैं आपको। तो जी गाइस, अभी मैं आपको लेकर जा रही हूँ अपने कमरे में, मेरे हस्बैंड के पास। वो बैठे हैं अकेले नीचे। ये देखिए जी जान जी, आप क्या कर रहे हो इधर बैठ के? कुछ नहीं, वैसे बैठा हूँ। किसका इंतज़ार हो रहा है? आपका। अच्छा, मेरा इंतज़ार किया जा रहा है, वाह भाई, बड़ी बात है। तो खाना खा लिया आपने? जी। आज खाने में क्या बनाया था बेगम ने? आज खाने में बनाया आलू टिंडे और टिक्का बट्टी। हाँ, नाम नहीं आएगा। बहुत मजे का था। अच्छा, धुएंदार टिक्का बट्टी, जबरदस्त। और अभी कुछ खाना तो नहीं आपने? नहीं। ग्रीन टी पियेंगे? मिल जाए तो बहुत। ठीक है, मैं आपको ग्रीन टी दूंगी। तो आप कुछ कहना चाहेंगे अपने व्यूअर्स से? व्यूअर्स से कुछ कहना चाहेंगे? हेलो भाई, क्या हाल है? बहनों क्या हाल है? कभी भाई हो कभी बहन हो, सोच लो किनको कहना है। बस बोल दो गाइस, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू। तो गॉड ब्लेस यू जी। आज मैं वीडियो में नहीं आई क्योंकि आज मेरे हस्बैंड जी आ गए हैं और आपको मैंने लाइटिंग दिखा दी है। तो ये देख सकते हैं आप, ये मेरे ससुर जी हैं। तो ठीक है, फिर इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अब मिलेंगे आपसे कल के वीडियो में बहुत अच्छे से। बाय बाय। नहीं, आपने मेरे चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है और मुझे इसी तरीके से प्यार देना है बहुत बहुत ज़्यादा। तो अभी हम लोगों ने खाना वगैरह खा लिया है, अभी हम सोने की करेंगे तैयारी क्योंकि मेरे हस्बैंड जी देखे अकेले बैठे हुए कमरे में। ये देखे कमरे में कोई ही नहीं है, कमरा बिल्कुल खाली है, अकेले बैठे हुए हैं। तो फिर अभी हम चलते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, ज़्यादा तो नहीं पर जैसी थोड़ी भी है मैं आपको नाराज़ नहीं करना चाहती, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर सकूँ। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, मेरे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और नीचे लाल कलर के बटन को दिए हुए क्लास में प्रेस करें और जब घंटी आएगी घंटी को भी बजाएं क्योंकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपके पास आएगी। तो इसी के साथ घंटी वाला आप सबको बाय।